हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज फ्रेंड्स हम बात करेंगे हमें किचन में हरा पौधा का गमला क्यों रखना चाहिए। पर इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, हमें हरा पौधे गमला किचन के दक्षिण पूर्व कोने में रखना चाहिए। किचन की गलत वास्तु स्थिति भी कई बार सेहत पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। अगर आपके घर में भी कोई ना कोई हमेशा बीमार रहता है तो किचन से जुड़ी इन वास्तु टिप्स पर एक बार जरूर गौर करें। वास्तु शास्त्र के अनुसार खाना पश्चिम और उत्तर की तरफ मुंह करके नहीं बनाना चाहिए। पश्चिम की तरफ मुंह करके खाना बनाने से त्वचा और ज्वाइंट से संबंधित समस्या होती है। वहीं उत्तर की तरफ मुंह करके खाना बनाने से आर्थिक समस्याएं रहती हैं। खाना बनाने की सही दिशा वास्तु शास्त्र के अनुसार पूर्व दिशा को माना गया है। पूर्व से आने वाली सकारात्मक ऊर्जा खाने को समृद्धि से भरपूर बनाती है। जब सूरज की पहली रोशनी किचन में आती है, किचन में जमे सारे कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हमेशा किचन की खिड़की पूर्व की तरफ रखनी चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार बिना नहाए किचन में भी नहीं जाना चाहिए। हमेशा नहाकर ही खाना बनाना चाहिए। इसके पीछे वैज्ञानिक आधार यह है कि जब तक हम नहाते नहीं हैं, तब तक बिस्तर के सारे कीटाणु हमारे शरीर से चिपके रहते हैं। इसलिए बिना नहाए कभी भी किचन में खाना नहीं बनाना चाहिए। फ्रेंड्स, घर के सदस्यों के अच्छी सेहत के लिए रसोई घर में दवाइयां नहीं रखनी चाहिए। यदि संभव हो तो किचन के दक्षिण पूर्व कोने में हरे पौधे के गमले रखें। डिजाइनर किचन में इसकी व्यवस्था जरूर कराएं, क्योंकि काष्ठ तत्व की उपस्थिति किचन को कल्याणकारी बनाते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, मेरा वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर कॉमेंट के जरिए बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।